नमस्ते किशन भाइयों, कल मैंने आपको ऊँटी बताई थी और आज मैं आपको रियावण की लसन बता रहा हूँ, जो कि मेरा दूसरा फार्म है वहाँ पे लगा रखी है। और आप अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक करें। देखिए, आपको मैं बताता हूँ ये किस प्रकार है। अभी कच्चा माल है, लगभग वो आने वाला ही है। ये आप देख सकते हैं पीछे कैमरे में किस तरीके का माल है। ये आया हुआ है, ये अभी आया नहीं है। लगभग ये महीने महीना लगेगा इसको आने में, महीने भर में ये निकल लेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वैरायटी को भी ये। और अगर आपकी जो फसल है उसमें ऊपर से, यहाँ से देख सकते हैं आप, कीट भी लगे होंगे। इसमें कीट नहीं है तो कहीं कहीं पे आपको कीट दिखेंगे। इसमें अभी मैंने 2 दिन पहले ही दवाई का छिड़काव किया है। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बारीक बारीक से कीट दिखेगी, जिसकी वजह से आपको इस पर छिड़काव करना पड़ेगा। और ये लहसुन जो है अभी आया नहीं है प्लांट। किसान भाई, पूरा अपना प्लांट है वो देख ले और वो पूरा आ जाए लहसुन, उसके बाद में आप उसको निकालें। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, थ्रिप्स जो होती है उससे लहसुन को काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें थ्रिप्स आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। देख सकते हैं आप, कहीं पे भी आपको थ्रिप्स कहीं भी नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें अभी 2 दिन पहले ही मैंने छिड़काव किया है, दवाई का स्प्रे किया है। तो किसान भाइयों, अपना जो फार्म है उस पर आप ध्यान दें, थ्रिप्स पे। और ये पूरा फार्म है अपना, जिसमें अपन की 2-3 वेराइटी की लहसुन बो रखी है, लेकिन ये जो है ये रियामण वाली लहसुन है, देख सकते हैं आप। धन्यवाद किसान भाइयों। 1 मिनट आपको और बताता हूँ ये। और अभी पानी लगाया था मैंने कुछ समय पहले ही, और अभी पिलाई है। अब वापस इसको इसमें पानी लगाएंगे। अभी ये 2-3 पानी और पिएगी, उसके बाद मार्च 1 में या मार्च के अंदर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे इसकी। आप